अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आई लव यू रुचिता। एक दिन भी ऐसा नहीं गया हूं जब मैंने आपका दिया ना जलाया। हर दिन व्रत रख के हर दिन पूजा किया। आपने क्या किया बदले में? आपने मुझसे मेरा सुहाग, मेरी जिंदगी, मेरे निहार जी छीन ली। मुझे सिद्धा लाश बना के छोड़ दिया आपने। क्यों मानूं मैं आपको? क्यों करूं मैं आपकी पूजा जब आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ दुखों का पहाड़ देना? क्यों करूं? मुझे नहीं करनी आपकी पूजा, नहीं करनी मुझे आपकी पूजा। आप भगवान नहीं, आप सिर्फ एक वहम है, वहम है। आप भगवान नहीं है, आप नहीं है आप भगवान। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की परती। जीवन अक्सर हमें वो खेल खिलाता है जिसे खेलना हमें नहीं आता। सुख में अभिमान और दुख में धैर्य आपकी परीक्षा लेता है। जिंदगी अक्सर ऐसे खेल खिलाती है जो हमें खेलना नहीं आता। सुख में अभिमान और दुख में धैर्य आपकी परीक्षा लेते हैं। खुद पे भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो, छोड़ ही जाते हैं। मेरा धैर्य, मेरा सुख, मेरी ताकत, मेरे सब कुछ मेरे पति निहार जी थे बाबा, वो सब कुछ थे मेरे लिए। फिर भी भगवान ने उन्हें मुझसे छीन लिया। मैंने हर पल इनकी पूजा की, हर पल इनको याद किया। अपनी सांसों से ज्यादा मैंने इनका नाम लिया बाबा, फिर भी इन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया इन्होंने मुझसे। दुनिया से सबका जाना निश्चित है बालिके, बस कुछ लोग जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो किसी बड़े मकसद से इस जीवन में आए थे। उनका मकसद पूरा होते ही वो उसी मिट्टी में विलीन हो जाते हैं जिससे वो बने थे। तुम्हें लगता है तुम्हारा पति चला गया, लेकिन इंसान का जीवन उसके कर्मों से पहचाना जाता है और कर्म कभी मरा नहीं करते। जन्म निश्चित है तो मरना भी निश्चित है, बस कर्म ऐसा हो कि स्मरण निश्चित हो जाए। निहार जी गए ताकि दूसरों को जीवन दान मिल सके। सावन की महापूजा की भीड़ में उन्होंने हजारों के प्राण बचा के खुद के प्राण को त्याग दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ बदनामी मिल रही। मुझे लगता है तुम्हारा पति बेकसूर है, तो लड़ो इस दुनिया से, इस समाज से लड़ो, सबसे लड़ो और अपने पति का सच बाहर लेके आओ। शायद तुम्हारे जीवन का यही मकसद हो। मुझे मेरा मकसद मिल गया महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्र। अब मुझे समझ आ गया क्यों महादेव ने निहार जी का अंतिम दिन वहीं पर चुना, क्यों उन्होंने अपने द्वार पर बुलाकर निहार जी का जीवन ले लिया। महादेव ने ये जताया है कि शिव खुद विष हर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों पर आज भी नहीं आने देते। मैं तो निहार जी को नहीं बचा पाई, लेकिन उनके नाम को मैं कलंकित नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बाबा। हर हर महादेव। मुझे माफ करना भगवान, मैंने अनजाने में आपको बहुत गलत समझा। बल्कि सच तो ये है कि आपने मेरे निहार जी को नहीं छीना, बल्कि मेरे निहार जी ने बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है उन्होंने जग कल्याण की, और उनके इस त्याग, इस बलिदान को मैं दुनिया के सामने ला कर रहूं। इंस्पेक्टर साहब, आपका काम है लोगों को इंसाफ दिलाना, ना कि गलत लोगों के साथ मिलकर मोर्चा निकालना। यहाँ पे लोग मेरे पति को आतंकवादी बुला रहे, जबकि सच्चाई तो ये है
कि उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, ऐसे कैसे आप लोग बिना जांच पड़ताल किए किसी के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगा सकते हैं? मैडम जी, सांच को आंच नहीं, कुछ सच को जानने के लिए जांच पड़ताल नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप सामने आ जाता है। आपके पूज्य पति ने कोई चोरी चकारी या मारधाड़ नहीं की थी, हरे महोत्सव में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, समझ में आया आपको? जिसके गवाह वहां मौजूद सैकड़ों लोग हैं, अब उनका आंखों देखी कैसे टाले हम? और जिस तरह का धमाका उस बॉम्ब से हुआ है ना, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका संबंध किसी खतरनाक आतंकवादी गिरोह से था। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं किया मेरे पति ने, उन्हें फंसाया गया, मोनिका ने उसे फंसाया। कौन मोनिका? हाँ? कैसी मोनिका? कोई तस्वीर है उसकी? दिखाइए, दिखाइए तस्वीर। मोनिका ने सोशल मीडिया से अपनी सारी फोटोज तो डिलीट कर दी। इंस्पेक्टर साहब समझिए, हमारे घर पर लोग काला कलर फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बूढ़ी माँ, प्लीज हमें सिक्योरिटी तो दे दीजिए, कम से कम मेरे बेटे के शरीर के टुकड़े वो तो हमें दे दीजिए, ताकि हम उसका अंतिम संस्कार कर सके, उसका विसर्जन कर सके। बेटे के टुकड़े चाहिए? बोलिए क्या चाहिए, हाथ, उंगलियां, आंखें, या वो फेफड़ा और गुर्दा? आपके बेटे के जितने चिथड़े उड़े हैं ना, उसमें से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका बेटा आतंकवादी था। और रही पुलिस प्रोटेक्शन की बात, तो एक आतंकवादी के परिवार को कोई पुलिस सुरक्षा नहीं देगी। निकलिए, हवलदार, धक्के देकर बाहर निकालो इन्हें। फिर हमारे बेटे का शरीर, आतंकवादी के बाप, चल निकल, निकल। पापा जी, आप जिनको आतंकवादी या देशद्रोही का बाप बुला रहे, उनका बेटा अगर चाहता तो भरी भीड़ में वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकता था। आज सिर्फ मैंने अपने पति और पापा जी ने अपना बेटा खोया है, लेकिन अगर यही बॉम्ब बीच मंदिर में ब्लास्ट होता तो न जाने कितनी सुहागन अपने पति को खो बैठे, कितने माँ बाप अपने बच्चे खो बैठे, कितने बच्चे अनाथ हो जाते। यही सोचकर मेरे पति वहां से दूर भागे थे, खुद की परवाह किए बिना उन्हें खुद कुर्बान होना मंजूर था, लेकिन किसी और की दुनिया उजाड़ना नहीं। अपने और अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी जान दे दी, ताकि उनके सिवा और किसी पे कोई आंच ना आए। ऐसे थे मेरे पति, मेरे निहार जी। आज दुनिया को जो कहना है कहे, जो मानना है माने, लेकिन मैं अपने पति के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं उन्हें इंसाफ दिला कर रहूंगी, और ये रुचिता निहार गोयल का वादा। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।